हेलो वाओ किड्स, ये है आपका होमवर्क टाइम। तो होमवर्क आप करोगे माई प्री राइटिंग बुक फॉर नर्सरी। इसे हम ओपन करते हैं और इसमें है लेटर वाई। तो आप लेटर वाई का आज फॉर्मेशन सीखी है, उसी से रिलेटेड होमवर्क है। इसमें आपने क्या करना है, पहले आप लेफ्ट साइड की स्लांटिंग लाइन को और फिर राइट साइड की स्लांटिंग लाइन को ज्वाइन करोगे, और ये दोनों लाइन्स ज्वाइन करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन को। ओके, तो ये बन गया आपका लेटर वाई। वाई से यहाँ पे दिया हुआ है यॉट, हमने पढ़ा है वाई से होता है याक, वाई से येलो कलर भी होता है। ये होमवर्क है आपका पेज नंबर 17 में। इसी तरह से पेज नंबर 18 में भी आपका ये लेटर वाई ही दिया हुआ है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है आपका नंबर 5। तो नंबर 5 के फॉर्मेशन के लिए पहले हम ज्वाइन करेंगे एक स्लीपिंग लाइन को, फिर हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और फिर हम फॉर्म करेंगे एक कर्व की फॉर्म को। ओके, और ये कर्व होगा लेफ्ट साइड से ओपन। अब यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हो, 5 सर्कल है, काउंट करें हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होमवर्क है आपका पेज नंबर 57 पे। तो एक ये आपने ट्रेसिंग करनी है। सेकंड होमवर्क है आपका माय एक्टिविटी बुक 1 फॉर नर्सरी। इसे ओपन करते हैं। इसमें आप देखोगे जो ये आपका एक्टिविटी शीट नंबर 13 पे 1 to 10 के नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप इस साइड पे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, मगर इस साइड पे नंबर्स जो हैं वो जम्बल्ड अप हैं। तो हमने क्या चेक करना है, पहले हमें चाहिए नंबर 1। तो हम देखते हैं वेयर इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5 एंड दिस इज़ नंबर 1। तो हम 1 से 1 को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम 2 को फाइंड करेंगे तो 2 को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, यहाँ पे 5 के बाद कंटिन्यूटी 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी नंबर्स अलग अलग दिए हैं, तो हम पहले फाइंड करेंगे नंबर 6 को। दिस इज नंबर 9, दिस इज 10 एंड दिस इज नंबर 6। तो हम 6 को 6 के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हेलो वाओ किड्स, ये है आपका होमवर्क टाइम। तो होमवर्क आप करोगे माय प्री राइटिंग बुक फॉर नर्सरी। इसे हम ओपन करते हैं और इसमें है लेटर वाई। तो आप लेटर वाई का आज फॉर्मेशन सीखी है, उसी से रिलेटेड होमवर्क है। इसमें आपने क्या करना है, पहले आप लेफ्ट साइड की स्लांटिंग लाइन को और फिर राइट साइड की स्लांटिंग लाइन को ज्वाइन करोगे, और ये दोनों लाइंस ज्वाइन करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन को। ओके, तो ये बन गया आपका लेटर वाई। वाई से यहाँ पे दिया हुआ है यॉट, हमने पढ़ा है वाई से होता है याक, वाई से येलो कलर भी होता है। ये होमवर्क है आपका पेज नंबर 17 में। इसी तरह से पेज नंबर 18 में भी आपका ये लेटर वाई ही दिया हुआ है, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है आपका नंबर 5। तो नंबर 5 के फॉर्मेशन के लिए पहले हम ज्वाइन करेंगे एक स्लीपिंग लाइन को, फिर हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और फिर हम फॉर्म करेंगे एक कर्व की फॉर्म को। ओके, और ये कर्व होगा लेफ्ट साइड से ओपन। अब यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हो, 5 सर्कल है, काउंट करें हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होमवर्क है आपका पेज नंबर 57 पे। तो एक ये आपने ट्रेसिंग करनी है। सेकंड होमवर्क है आपका माय एक्टिविटी बुक 1 फॉर नर्सरी। इसे ओपन करते हैं। इसमें आप देखोगे जो ये आपका एक्टिविटी शीट नंबर 13 पे 1 to 10 के नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप इस साइड पे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, मगर इस साइड पे नंबर्स जो हैं वो जम्बल्ड अप हैं। तो हमने क्या चेक करना है, पहले हमें चाहिए नंबर 1। तो हम देखते हैं वेयर इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5 एंड दिस इज़ नंबर 1। तो हम 1 से 1 को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम 2 को फाइंड करेंगे तो 2 को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, यहाँ पे 5 के बाद कंटिन्यूटी 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी नंबर्स अलग अलग दिए हैं, तो हम पहले फाइंड करेंगे नंबर 6 को। दिस इज नंबर 9, दिस इज 10 एंड दिस इज नंबर 6। तो हम 6 को 6 के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे।